हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। मेरे हिसाब से जितने मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं पीछे के, वो सारे आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो पीछे हम बात कर रहे थे क्रिस्टलों में उत्पन्न दोषों के बारे में। तो जो क्रिस्टलों में उत्पन्न दोष हैं उनके बारे में हम कुछ टॉपिक्स जो है क्लियर कर चुके थे, जैसा कि रस समीकरण मितीय दोष के बारे में। और रस समीकरण मिति में भी आपके चार पॉइंट थे। एक तो था आपका रिक्ति दोष, एक अंतराकाशीय दोष, एक फ्रैंकल दोष और एक शॉर्टकी दोष। ये हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। अब उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है अरस समीकरण मिति दोष। धातु अधिक्य के अंदर भी दो टॉपिक बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से थे। तो रिवाइज कर रहे अपने, सिर्फ फर्स्ट जो था इसके अंदर धातु अधिक्य के अंदर धनायन अधिक्य, दूसरा आपका ऋणायन न्यूनतम। आप इसे धातु अधिक्य और इसे आप ये बोल सकते हो अधातु अधिक्य, ठीक है। तो इसे अपने यू भी लिख सकते हैं अधातु अधिक्य। धातु अधिक्य के अंदर दो पॉइंट कौन से थे। एक तो था आपका धनायन न्यूनता और दूसरा था आपका ऋणायन अधिक्य, ठीक है। तो आज जो है हम इनके बारे में डिटेल्स करने वाले हैं। पीछे वाले मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो पहले टॉपिक के अंदर हमारा है धातु अधिक्य दोष। पहला टॉपिक क्या है? धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष के अंदर अपने पहले बात कर लेते हैं ऋणायन न्यूनता के बारे में, उसके बाद धनायन अधिक्य की बात कर लेंगे। ऋणायन न्यूनता, तो अब इसको अच्छे से समझना, थ्योरी से समझाऊंगी मैं आपको भी एग्जाम्पल। तो ऋणायन न्यूनता दोष जो है वो कैसे और कब उत्पन्न होता है, तो समझो कि आपके पास क्या है, एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के अंदर आपके धातु और अधातु दोनों ही उपस्थित है। धनायन के रूप में आपके पास धातु उपस्थित है और ऋणायन के रूप में आपके पास क्लोरीन उपस्थित है, यानी अपने बोल सकते हैं अधातु उपस्थित है, ठीक है। तो आपकी जो क्रिस्टल की संरचना है वो कुछ इस तरीके से है। मान लो आपके पास क्या है Na+Cl- इस तरीके से क्या है आपके पास NaCl का एक क्रिस्टल बना हुआ है। जब इस Na+NaCl के क्रिस्टल में से NaCl के क्रिस्टल के ऊपर से आप किसको प्रवाहित करते हो? Na धातु को प्रवाहित करते हो, ठीक है। किस धातु को प्रवाहित करते हो? Na धातु को इसके ऊपर से इस तरीके से गुजारते हो या प्रवाहित करते हो। तो क्या होता है कि जो सोडियम धातु है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि आपको पता है धातु का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का, ठीक है। तो पेशेंट के साथ इस चीज को समझना, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही हम सोडियम धातु को NaCl के क्रिस्टल में से गुजारते हैं तो सोडियम धातु क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग देती है। क्या करती है? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगी Na जो है किसमें चेंज हो जाएगा? Na+ में चेंज हो जाएगा। अब जो है Na+ के अंदर जैसे इसको आप चेंज करते हो तो क्रिस्टल के अंदर से ये जो Na+ वाला है वो क्रिस्टल के अंदर के Cl को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और
NaCl जो है आयनिक बंध बना लेंगे, यानी जो आपका यहाँ पर Na+ है ये Cl क्या होगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे भी Na+ है, Cl- Na+ Cl-, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इस तरीके से जो Na+ था उसने रिएक्शन कर लिया Cl- के साथ और क्या बन गया NaCl। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास बच जाता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जो एरस समीकरण मिति दोष है, लास्ट वीडियो जो है उसमें मैंने आपको समझाया था एरस समीकरण मिति दोष के अंदर क्या होता है कि जो आपके अवयवी कण होते हैं, मान लो अगर आपका कोई धनायन निकल रहा है तो उसके साथ कभी ऋणायन नहीं निकलेगा, या फिर कभी कोई ऋणायन निकलता है तो उसके साथ कभी धनायन नहीं निकलेगा, यानी धनायनों व ऋणायन जो होते हैं वो असमानुपात हो जाते हैं, समान अनुपात में नहीं रहते। जबकि रस समीकरण मिति दोष के अंदर क्या था कि जो हमारे क्रिस्टलों की दोष से पहले संगठन था और दोष के बाद जो उसके संगठन की बात करें तो दोनों में ही आयनों का जो अनुपात है वो समान रहता है, यही हमने पढ़ा है। तो अब देखो इसके अंदर अगर अपने बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर जो है Na जैसे ही क्रिस्टल NaCl की क्रिस्टल के ऊपर से आप सोडियम धातु को प्रवाहित करते हो तो सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। सोडियम में जैसे अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा वो किसको अट्रैक्ट करेगी Cl को, और ये Cl जो है वो Na के साथ बॉन्ड बना लेगा और NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऋणायन की क्या हो रही है कमी, तो इसलिए इसे ऋणायन न्यूनता कहा जाता है। लेकिन फिर भी क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना जरूरी होता है। अब क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता कब बनी रहेगी, जब आपके धनायन और ऋणायन इक्वल हो जाए, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है एक ऋणायन है, तो जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बच गया था ऋणायन बच गया था वो यहाँ पर आपके आ जाएगा जहाँ से आपका Cl बाहर निकला है, ठीक है। और ये जो संरचना बनती है इस संरचना को कहा जाता है F केंद्र, क्या कहा जाता है F केंद्र, यानी जो आपका Cl बाहर निकल गया था उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। अब आप देख रहे हो कि इस अवयवी कणों में एक Cl- का जो अवयवी कण है यानी जो एक ऋणायन है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, ये एक आयन है और ये एक आवेश है, ठीक है। तो दोनों को सेम मत समझ लेना, इलेक्ट्रॉन अलग है और एक आयन अलग होता है। तो यहाँ पर क्या हुई ऋणायन की कमी होगी, तो ऋणायन की कमी होगी तो इसे अपने क्या बोलते हैं ऋणायन न्यूनता बोलते हैं। क्लियर बात, मेरे हिसाब से वाला टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा धनायन अधिक्य, सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास धनायन अधिक्य। एक चीज और याद रखना है, पहला ये होता है श्वेत रंग का, कौन से रंग का होता है श्वेत रंग का, लेकिन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसका क्लोरीन जो है बाहर निकल जाता है बाहर से इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है तो ये हो जाता है पीले रंग का, ठीक है। तो किसी भी चीज में विद्युत धारा प्रवाह के लिए, रंग प्रदान के लिए या चुंबकीय गुण के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका स्थानांतरण या उनका मूवमेंट होना जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा प्रवाह के लिए और रंग के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इसके बारे में, अब अपने बात करेंगे धनायन अधिक्य के बारे में। अपने बात करते हैं धनायन अधिक्य के बारे में। धनायन अधिक्य है तो ऑब्वियसली बात है क्रिस्टल के अंदर क्या है धनायनों की मात्रा ज्यादा हो रही है और ऋणायनों की मात्रा कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चलेंगे, एक आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे ZnO जिंक ऑक्साइड का। ऋणायन न्यूनता में किसका एग्जांपल ले रहे थे NaCl का, धनायन अधिक्य में एग्जांपल लेंगे जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के दौरान जो आपका जिंक होता है वो किसके रूप में टूट जाता है Zn+2 के रूप में, और आपका ये ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है
और ये जैसे ही प्लस टू बना रहा है तो यानी इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉनों को भी क्या कर रहा है, त्याग रहा है। ठीक है, मैं रिएक्शन आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ZnO है। अब ये ZnO जैसे ही ZN जो है प्लस टू में टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो किसके रूप में बाहर निकल रहा है, गैस के रूप में। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने एक ऑक्सीजन लिया है, यहाँ पे आप टू कैसे लेके चल रहे हो। मैंने यहाँ पे हाफ ओ टू लिखा है। हाफ का मतलब क्या हो गया, हाफ ओ टू मतलब एक ऑक्सीजन ही हुआ ना, क्योंकि हम इसको किसके रूप में बाहर निकल रहे हैं, गैस के रूप में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब अपने कभी भी जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लेते हैं तो जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब भी गर्म किया जाता है, जिंक जो है वो प्लस टू के रूप में बाहर टूट जाता है, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपके बाहर निकल जाएंगे और जो आपका हाफ ओ टू ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा। साफ ही दिख रहा है जिंक जो है वो धनायन के रूप में है, ऑक्सीजन आपका एक टाइप से ऋणायन के रूप में है। अब जो ये आपके धनायन बन रहे हैं वो चले जाएंगे क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल पर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के स्थान पर चल जाएंगे ताकि आपके क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। समझ आ गई बात। तो मेरे हिसाब से धनायन अधिक्य और ऋणायन न्यूनता जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धनायन अधिक्य यानी धनायन ज्यादा हो रहे हैं, ऋणायन कम हो रहे हैं, और ऋणायन न्यूनता जिसके अंदर ऋणायन कम हो रहे हैं और धनायन अधिक्य जिसमें धनायन अधिक हो रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है, कभी सेम मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लिया होगा अब तक। तो अब अपने बात करते हैं अधातु अभिक्रिय के बारे में। अब देखो अधातु अभिक्रिय की अगर बात करें तो इसमें देखो एक तो शब्द आ रहा है धनायन न्यूनता और एक आ रहा है ऋणायन अधिक्रिय। अब इन दोनों के अंदर है ना सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके पास क्रिस्टल होता है इस तरीके से, इन दोनों का सेम ही प्रोसेस है, तो मैं इसको एक बार भी समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, इस तरीके से क्रिस्टल है। ठीक है, अब क्रिस्टल के अंदर हम मान लेते हैं ए प्लस बी माइनस करके मान लेते हैं, बाद में मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दूंगी। ए प्लस बी माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, अब इस क्रिस्टल के अंदर आपको अंतराकाशीय स्थल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इस क्रिस्टल में क्या होता है कि जब आपके अंतराकाशीय स्थलों में ऋणायन आ जाते हैं तो उस टाइम जो दोष उत्पन्न होता है वो आपका धातु अधिक्य दोष होता है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि अंतराकाशीय स्थलों का जो स्थान होता है वो कौन ग्रहण कर लेता है, वो आपके ऋणायन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अंतराकाशीय स्थल है यहाँ पर अगर आपके ऋणायन आ जाएंगे तो उस टाइम ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी, धनायनों की संख्या कम हो जाएगी, तो उसे अपने धनायन न्यूनता या ऋणायन अधिक्य दोष कह सकते हैं। ठीक है, और इनकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इनकी एग्जांपल में हम बोल सकते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं। क्लियर बात, तो ये जो दोष थे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद एक लास्ट दोष रह जाता है, जो थर्ड था आपके दोषों में, वो था आपके जो थर्ड पॉइंट था बिंदु दोष के अंदर, तो वो थर्ड पॉइंट है आपका अशुद्धता दोष। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, अशुद्धता दोष। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा अब तक तो आप लोगों ने। अगर हम अशुद्धता दोष की बात करें तो समझना इसको कि जब NaCl के क्रिस्टल में, ठीक है, NaCl के दलित अवस्था में SnCl को मिला दिया जाता है। क्या चीज़ का, मैंने जब आपके पास क्या है, NaCl का क्रिस्टल है,
NaCl का क्रिस्टल है और वो क्रिस्टल किस अवस्था में है, गलित अवस्था में है यानी पिघली हुई अवस्था में है। NaCl के क्रिस्टल में जो कि गलित अवस्था में है उसमें अगर SrCl2 मिला दिया जाता है तो SrCl2 के जो अवयवी कण है वो NaCl के स्थान पर आ जाते हैं, इसे ही अशुद्धता दोष कहा जाता है। ये बात अब देखो आपको पता है कि जैसे मान लो ये क्या है आपके पास इस तरीके से क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर क्या है, Na प्लस Cl माइनस, वही क्रम जो कि मैं आपको शुरू से पढ़ाते आ रही हूँ। ठीक है, जैसे इसमें आपने क्या मिला दिया, SrCl2 मिला दिया, ठीक है। अब SrCl2 पहली बार तो किन किन आयनों में टूटता है तो आपको ध्यान में रखना है, SrCl2 टूटता है Sr+2 प्लस में 2Cl- के रूप में टूटता है। Na+ का तो आपको पता है Na+ और Cl- में टूटता है, लेकिन SrCl2 किस में टूटता है, Sr+2 और 2Cl- में टूटता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर अपने बात करते हैं कि Sr जो है वो +2 आयन लेता है, ठीक है। अगर इस SrCl2 को इस क्रिस्टल की गलित अवस्था में मिला देंगे तो ये Sr+2 जो है वो Na+ के आयनों का स्थान ले लेंगे, तो संरचना किस तरीके से बनेगी ध्यान से देखना। बात अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके पास सोडियम है ये तो बनाता है +1 चार्ज, लेकिन जो आपका SR है वो बना रहा है +2 चार्ज। यानी अगर SrCl2 को इसमें मिश्रित किया जाएगा तो पहली बात तो वो सोडियम को क्या कर देगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, मैं यहाँ पे पहले से लिख देती हूँ, अब ठीक है। अब ये Sr+2 बना रहा है लेकिन Na किस में टूट रहा है, प्लस में। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि जहाँ पर आपके दो सोडियम आएंगे वहाँ पर आपका एक ही Sr+2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक धनायन बन रहा है, इसमें यहाँ पे दो धनायन बन रहे हैं और इसमें एक धनायन बन रहा है, तो दो धनायन यहाँ पे एक धनायन है तो दो धनायनों को ही हटाएगा और उसकी जगह पर ही आएगा ना, समझ आ रही मेरी बात। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि सोडियम के कितने आयन बाहर निकल गए, एक तो आयन आपका यहाँ से बाहर निकल गया और एक आयन आपका यहाँ से बाहर निकल गया, सोडियम के तो दो आयन बाहर निकले हैं, लेकिन Sr+2 का कितना आयन एंटर कर गया, एक ही आयन एंटर करा है, ताकि इसमें जो बैलेंस है यानी मैं बोल सकती हूँ जो विद्युत उदासीनता है वो इसमें बनी रहे, समझ आ गई बात। तो ये आपको याद रखना है अशुद्धता दोष के अंदर क्या होता है, जब NaCl के क्रिस्टल के जो कि गलित अवस्था में है जब उसमें SrCl2 मिलाया जाता है तो एक Sr+2 दो Na+ आयनों का स्थान घेरता है, जिसमें से एक Sr+2 एक सोडियम की जगह तो आ जाता है लेकिन दूसरे सोडियम का स्थान रिक्त रह जाता है, यही हमारी अशुद्धता दोष है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे ठोसों में विद्युत धारा के बारे में, किसके बारे में, ठोसों में विद्युत गुण के बारे में या ठोसों के अंदर विद्युत धारा प्रवाह के बारे में, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है ठोसों में विद्युत, देखो अगर अपन ठोसों में विद्युत गुण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम तीन प्रकार के ठोस जो है पढ़ेंगे, एक तो अपने पढ़ेंगे चालक, एक पढ़ेंगे अपने अचालक और एक पढ़ेंगे हम अर्धचालक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो तो क्या है आपका चालक, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं अपने सुचालक। सेकंड जो है उसे अपने बोलते हैं
अचालक या फिर आप इसको बोल सकते हैं कुचालक। और जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका अर्धचालक। ठीक है, तो सबसे पहले अपने समझते हैं चालक या सुचालक के बारे में। तो चालक या सुचालक की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, यानी जिन ठोसों में, सॉरी अपनी डेफिनेशन प्रॉपर ये बनेगी कि जिन ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, ऐसे ठोस आपके चालक या सुचालक कहलाएंगे। ठीक है, और जो इनकी क्या कहते हैं, इनका जो रेंज होता है वो होता है 10^4 से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये बात, इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपने बोल सकते हैं Fe है, Ag है, Au, Al, Cu, तो ये सारे के सारे क्या है, चालक के ही एग्जांपल है। अब अपने बात करेंगे अचालक या कुचालक के बारे में। तो अचालक किसे कहते हैं, वे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, उसे अपने अचालक या कुचालक कह सकते हैं। ठीक है, और जो इनका क्षेत्र होता है वो होता है 10^-20 से 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। इसमें हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं रबर, प्लास्टिक। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अर्धचालक देखो एक टाइप से अपने यू बोल सकते हैं अर्धचालक, यानी पूरी तरीके से ना तो वो चालक है ना ही वो अचालक है। अर्धचालक वे ठोस होते हैं जिनमें चालकता प्रदर्शित भी होती है और चालकता प्रदर्शित नहीं भी होती। क्लियर बात, आपको ध्यान में रखना है अर्धचालक वे होते हैं। अर्धचालक की अगर अपने बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 0 केल्विन ताप पर अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन यदि ताप जो है बढ़ा दिया जाए तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी उस वक्त ताप बढ़ाने पर ये चालकता के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्लियर बात, तो क्या क्या बातें बताई मैंने अर्धचालक के अंदर, 0 केल्विन ताप पर तो ये क्या होता है आपका अचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर यह किसकी भांति व्यवहार करेगा, चालक की भांति व्यवहार करता है। और इसमें जो आपकी एग्जांपल है वो आपको ध्यान में रखना है, जैसा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये दोनों जो आप बात करते हैं ये आपके अर्धचालकों के एग्जांपल हैं, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं होगी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, तो आज की जो वीडियो है वो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।